नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में गैस सिलेंडर बेचने सड़क पर उतरी महिलाएं, बोली उज्ज्वला योजना में मिला था, अब 900 रुपए में खरीदने की औकात नहीं। पंचायत चुनाव की घोषणा में देरी, ईवीएम के लिए एनओसी नहीं मिलने से लटका मामला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, प्रत्यय अमृत समेत बिहार के 1.5 दर्जन आईएएस ऑब्जर्वर बनाए गए। बिहार में अब विधायकों और विधान पार्षदों को लगेगा कोरोना का टीका, विधानमंडल में कल से होगी शुरुआत। बिहार में जमीन हड़पने वाले हो जाएं सावधान, कड़ी कार्रवाई करेगी नीतीश सरकार। गांधी सेतु पुल पर भीषण जाम, कल रात से ही रेंग रही है गाड़ियां, लोगों की हालत खराब। जन्मदिन पर सीएम नीतीश लेंगे कोरोना का टीका, तीसरे चरण के मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण की होगी शुरुआत। बिहार के स्कूलों में 11 माह बाद गूंजेगी बच्चों की खिलखिलाहट, सरकार के इन दिशा निर्देशों का जानना बेहद जरूरी। बिहार के सभी नगर निगम क्षेत्रों में होगा ग्रीनफील्ड टाउनशिप, जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर चलेगा अभियान। बिहार में अब शुरू होगा रेशम पर 4 वर्षीय बीटेक कोर्स, जाने उद्योग विभाग से जुड़ी जमीनों पर क्या एक्शन लेंगे शाहनवाज। अब खबरें विस्तार से। देश में एलपीजी गैस की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से परेशान महिलाएं राजधानी पटना में सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध का नया रूप अपनाया और वह उज्ज्वला योजना में मिला गैस सिलेंडर बेचने सड़क पर उतर गई। महिलाओं ने कहा है कि उन्हें अब 900 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं जुट रहा है। पटना सिटी के अशोक राज पथ पर कई महिलाएं रसोई गैस का सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर आईं। उनका कहना है कि महंगी रसोई गैस का पैसा नहीं जुट रहा है, इसीलिए वे अपने गैस सिलेंडर को बेचने आई है। प्रदर्शन कर रही महिलाएं जो सिलेंडर लेकर आई थी उसके ऊपर पोस्टर चिपका था, जिसके ऊपर अलग अलग नारे लिखे हुए थे। किसी पर लिखा था उज्ज्वला योजना का सिलेंडर बिक्री का है, तो किसी पर लिखा था गैस महंगी सब्सिडी खत्म, इसीलिए सिलेंडर बेचने आए हम। सड़क पर सिलेंडर के साथ प्रदर्शन कर रही नीलम देवी ने कहा कि हम यहां सिलेंडर बेचने आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमसे 900 रुपये का गैस सिलेंडर नहीं खरीदा जाएगा। कोरोना महामारी के कारण सभी बाल बच्चों का काम धंधा छूट गया है, सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, इसीलिए हम सिलेंडर बेचना चाहते हैं। बिहार राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम उपलब्ध कराने का रास्ता जब तक साफ नहीं हो जाता है, तब तक के पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो पाएगी। राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा फरवरी महीने में ही होनी थी, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की आवश्यकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ICIL को भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति चाहिए। आयोग ने इसे लेकर इलेक्शन कमीशन से पत्राचार भी किया था, लेकिन फिलहाल नतीजा नहीं निकल पाया है। ईवीएम उपलब्धता के लिए चुनाव आयोग ने एनओसी नहीं मिलने के कारण पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है। इस बीच एनओसी नहीं मिलने के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग का निर्णय है कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में पंचायतों और ग्राम कचहरी के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों के अधिकारियों को पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। बिहार के 18 आईएएस अधिकारी बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इनमें आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत के साथ साथ एन विजय लक्ष्मी, विनय कुमार, प्रेम सिंह मीना, आदेश तितरमारे, धर्मेंद्र सिंह, गोपाल मीना, जय सिंह, मनोज कुमार, विनोद सिंह गुंजियाल, प्रभाकर, दीपक आनंद, गिरिवाल दयाल सिंह, चंद्रशेखर केशवेंद्र कुमार, एम रामचंद्रु, कौशल किशोर और सुनील कुमार यादव शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को अलग अलग राज्यों में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात करने का फैसला आयोग ने किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक इन आईएएस अधिकारियों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में 3 मार्च को वर्चुअल मीटिंग होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव कन्हैयालाल शाह ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए सूचना दी है।
बिहार में अब माननीयों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। विधायकों और विधान पार्षदों को कोरोना वायरस का टीका दिया जाने का काम आज यानी कि 1 मार्च से शुरू होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिए पहल की थी और अब बिहार सरकार आज से बिहार विधानसभा परिसर में माननीयों को टीका देने का काम शुरू करेगी। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के साथ साथ विधानमंडल सचिवालय में काम करने वाले तमाम कर्मियों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हो गई थी। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कड़ी चेतावनी दी है। शाहनवाज ने कहा है कि बियाडा के नाम पर जमीन लेकर रखने वालों पर बिहार सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उद्योग मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि बियाडा की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा, उनके लिए हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। बिहार के उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे सैयद शाहनवाज हुसैन ने खलीफाबाग चौक स्थित आनंदराम ढाड़निया स्कूल में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बियाडा के नाम पर जमीन लेकर रखने वालों के खिलाफ अब एक्शन होगा, उनके लिए हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। 5 दिन पहले ही बजट सत्र के दौरान पहली बार विधान परिषद में बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कई क्षेत्रों में इंडस्ट्री के लिए प्रस्ताव है लेकिन अभी प्रीमेच्योर स्थिति में है। बियाडा की जमीन का उपयोग हम करेंगे। जो लोग बियाडा का जमीन उद्योग के नाम पर लेकर बैठ गए हैं उन पर कार्रवाई होगी। जहां जमीन नहीं है वहां भी हम जमीन लेंगे। जिस काम के लिए जिसने भी जमीन ली है वहाँ उस योजना पर काम करना ही होगा। गांधी सेतु पुल को उत्तर बिहार का लाइफलाइन माना जा रहा है लेकिन इस पुल पर पिछले 10 से 12 घंटे से ऐसा जाम लगा हुआ है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कल रात से ही पुल पर गाड़ियां चलने के बजाय रेंगने को मजबूर है। भीषण जाम के कारण लोगों की हालत खराब हो गई है। कई एम्बुलेंस और छात्र छात्राएं भी जाम में फंसे हुए हैं जो एग्जाम देने पटना आ रहे थे। गांधी सेतु पुल हो जाने से NH-30 के पास सुबह से ही महाजाम लगा हुआ है जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। 0 माइल पटना से 10 किलोमीटर दीदारगंज टोल प्लाजा गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे खास बात है कि छात्र छात्राओं को पटना में एग्जामिनेशन है और सभी छात्र छात्राएं बुक कराकर पटना राजेंद्र नगर दानापुर में परीक्षा देने के लिए आ रही थी लेकिन रास्ते में ही टोल प्लाजा के पास सड़क जाम में सभी छात्राएं फंसी हुई हैं जिसमें छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 1 बजे पटना स्थित IGIMS में COVID-19 का टीका लेकर तीसरे चरण के निःशुल्क टीकाकरण का शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित कई अन्य मंत्री नेता और अधिकारी भी टीका लेंगे। बता दें कि 1 मार्च को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। फिलहाल सुबह 10 बजे से पंजीकरण शुरू होगा और 3 मार्च से 50 निजी व 625 सरकारी अस्पतालों में टीका लगवाया जा सकेंगे। 1 सप्ताह बाद वेलनेस सेंटर भी जुड़ जाने पर 800 सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण की व्यवस्था होगी। तीसरे चरण में 1,30,00,000 लोगों को टीकाकरण का अनुमानित लक्ष्य है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में दी है। 11 माह बाद 1 मार्च यानी कि आज से बिहार के सभी स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों की चहल पहल नजर आएगी। 1 मार्च से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। प्राइमरी स्कूलों में रोजाना कुल नामांकन के 50% बच्चों को आने के लिए कहा गया है। कक्षा वार भी बच्चों की उपस्थिति 50% ही रहेगी। प्रत्येक बच्चे को 2 वॉशेबल मास्क दिए जाने हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अगली कक्षा में जाने को लेकर पिछली कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिए कैचअप कोर्स चलने वाला है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि जीविका समूहों के जरिए प्राइमरी के बच्चों को समय पर मास्क उपलब्ध करा दिए जाएं। बिहार राज्य के शहरी नगर निगम में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए सबसे पहले नगर निगम क्षेत्रों में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। नगर विकास व आवास विभाग की ओर से तैयार की गई इस योजना का मकसद है कि शहरी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाए। विभाग ने इसके लिए निकायों को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले खाली पड़ी निकाय की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलेगा। जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद उन जगहों पर छोटे पार्क विकसित किए जाएंगे। विभाग की मंशा है कि शहरी क्षेत्र में छोटे पार्क के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के साथ लोगों को टहलने घूमने की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। सड़कों के किनारे भी पौधारोपण के अभियान चलाए जाएंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पार्कों की देखरेख करता है और आम लोगों से शुल्क लिए जाते हैं।
देश के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में शनिवार को उद्योग विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान नाथनगर के टेक्सटाइल सेंटर में रेशम पर 4 वर्षीय बीटेक कोर्स शुरू होगा। इसे लेकर डीएम की अध्यक्षता में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के अपर सचिव प्रदीप कुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, उद्योग विभाग के अपर निदेशक सरिता चौधरी, सांसद प्रतिनिधि प्रो देवज्योति मुखर्जी, विधानसभा सदस्य, उप विकास आयुक्त, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रामशरण राम, जिला परिषद अध्यक्ष आदि शामिल हुए। बैठक में उद्योग मंत्री ने हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा बुनकरों के लिए संचालित योजनाओं का विस्तृत समीक्षा की। भागलपुर के उद्योग विभाग से संबंधित खाली पड़ी सरकारी जमीन की मैपिंग करने की बात कही गई। डीएम को जीविका के माध्यम से बुनियादी रीलिंग मशीन उपलब्ध कराने के लिए सर्वे करा लेने का निर्देश दिया गया। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।